गाइस बात करते हैं यहाँ पर इसके फुल डिटेल्स के बारे में। जैसे कि आपने साउंड टेस्टिंग देखा, मैं वीडियो के लास्ट में भी एक छोटा सा क्लिप आपको देने वाला हूँ साउंड टेस्टिंग का। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर चार टॉप और यहाँ पर 8 बेस 2 लाइन अरे के बारे में, और यहाँ पर एम्पलीफायर कितने के वी का जनरेटर लगा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर सेटअप में देख ही सकते हो, सबसे नीचे 4 बेस है, उससे ऊपर भी आपको 4 बेस देखने को मिलेगा जो कि डुअल में है। उससे ऊपर देखेंगे 4 टॉप लगा हुआ है, उससे ऊपर देखेंगे तो आपको 2 लाइन अरे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा एम्पलीफायर का यूज़ किया गया है और यहाँ पर कौन कौन से स्पीकर इसमें लगाए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा क्योंकि आपको डीजी से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल में। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं डीजी रॉक चैनल। सो गाइस बात करेंगे यहाँ पर सबसे नीचे वाले बेस के ऊपर जो कि टी बिन बेस है। जैसा कि आप जानते हो स्पीकर थोड़ा सा ऊपर से तिरछा लगता है, फ्रंट में ही होता है लेकिन थोड़ा सा तिरछा लगता है, वो वाला यहाँ पर बेस कैबिनेटिक यूज़ किया गया है। उसमें स्पीकर लगा हुआ है 2000 वाट का बीटा स्पीकर, और यहाँ पर LF7 का बेस लगा हुआ है जो कि ऊपर में आप देख सकते हो बीचों बीच LF7 का बेस लगा हुआ है। उसमें लगा हुआ है 1500 वाट का स्पीकर जो कि ऑडियोटोन के तरफ से आता है, वो स्पीकर इसमें यूज़ किया गया है। जैसा कि भाई ने बताया है मैं आपको सभी जानकारी देने वाला हूँ। गाइज यहाँ पर हम ऊपर में देखेंगे, उससे ऊपर जैसे कि यहाँ पर 4 टॉप देख सकते हो, तो यहाँ पर 4 टॉप यूज़ किया गया है 2226P ऑडियो स्पीकर। जैसे कि आप जानते हो 1000 वाट AES पावर में आता है, कंपनी 600 वाट बोलती है, 4 इंच वॉइस कॉइल में आता है, तो वो वाले यहाँ पर स्पीकर का यूज़ किया गया है 4 टॉप में जो कि काफ़ी हैवी और काफ़ी तगड़ा बजता है। आपको पता ही होगा, जिसके पास होगा वो नीचे कमेंट बताना कैसा बजता है। तो चलिए बात करेंगे उससे ऊपर जो कि 2 लाइन अरे लगा हुआ है जो कि आप यहां पर देख सकते हो, 2 लाइन अरे लगा हुआ है, उसमें 400 वाट का PRDU का स्पीकर लगा हुआ है। तो चलिए हम बात करेंगे कि कौन कौन से एम्पलीफायर में रन हो रहा है, कितने के वी का जनरेटर भाई ने लगाया है, ये सभी जानकारी हम देख लेते हैं। तो गाइस बात करेंगे पहले नीचे बेस जो आपको लगा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर MT1601 यूज़ किया गया है जो कि 2 पीस इसमें लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर नीचे वाला जो बेस है आपका वो MT1601 में चल रहा है जो कि 2000 वाट का 4 बेस चल रहा है, और सबसे ऊपर में जो LF7 है, मतलब बेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपका डुअल है LF7 उसमें लगा हुआ है ऑडियोटोन का 1500 वाट का स्पीकर, तो उसमें भी MT1601 का यूज़ किया गया है जो कि भाई ने बताया। और वहीं हमारा जो चार टॉप है PRDU का 2226 उसके लिए एम्पलीफायर यूज़ किया गया है MT1201 जैसा कि भाई ने बताया है। और वहीं हम बात करेंगे सबसे ऊपर लाइनरे के लिए कौन सा एम्पलीफायर यूज़ किया गया है जो कि 701 भाई ने बताया, जैसे कि MT701 जो कि 2 लाइनरे चल रहे हैं उसमें। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें जनरेटर कौन सा है और कितने के वी का यूज़ किया गया है। सो गाइज यहाँ पर भाई ने फोटो एम्पलीफायर का नहीं भेजा है या फिर जनरेटर का भी नहीं भेजा है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से फुल डिटेल के साथ यहाँ पर भेज दिया है। तो मैं आपको बता दूँ तो कितने के वी का जनरेटर इसमें लगा हुआ है। जैसे कि भाई ने बताया जनरेटर यहाँ पर 40 KVA का यूज़ किया गया है जो कि अशोक लीलैंड का यहाँ पर इंजन अब इनके पास है, और 40 KVA का यहाँ पर इसका जनरेटर हो जाता है भाई के पास। तो चलिए फुल डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए फाइनली हम बात कर लेते हैं कि DJ कहाँ का है, कैसा DJ है, कौन से ज़िले का है। तो गाइस यहाँ ये जो DJ है वो है MP, मतलब मध्य प्रदेश का DJ है। ज़िला के बारे में बात करते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर बड़वानी जैसे कि भाई ने बताया, और ग्राम के बारे में बात करते हैं मतलब विलेज के बारे में बात करते हैं तो भीलखेड़ा जैसे कि भाई ने बताया, हिंदी में लिख भी दिया है जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस सबसे लास्ट में मैं आपको टेस्टिंग दे देता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका DJ सेटअप का वीडियो डले तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ओनली आप यहाँ पर मैसेज करिएगा, वीडियो सेंड कर दीजिएगा, फोटो सेंड कर दीजिएगा DJ सेटअप का, एम्पलीफायर्स का जो भी आपके पास फोटो होगा अवेलेबल, और यहाँ पर फुल डिटेल्स भेज दीजिएगा। इसमें क्या क्या स्पीकर लगे हुए हैं, कितने वाट का है, कौन सा एम्पलीफायर कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ बता दीजिएगा। DJ का क्या नाम है, कहाँ से है, ये सभी जानकारी दे दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah.